एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोग के पास, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। यहाँ पे बता रहा है कि 12 बजे दोपहर के समय में टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो मतलब प्लस 10 डिग्री है। इफ़ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस, अगर ये टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस के रेट से पर आवर मतलब एक घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस नीचे गिरती है, अनटिल मिडनाइट मतलब 12 बजे रात तक, एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। तो फिर बिलो जीरो बता रहा है 8 डिग्री मतलब माइनस 8 डिग्री सेल्सियस कितना बजे होगा, व्हाट टाइम, टाइम पूछ रहा है इसमें। और इसमें एक और क्वेश्चन यहाँ पे डाला हुआ है, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और रात के 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा। मतलब एक क्वेश्चन में आपको टाइम पूछ रहा है और दूसरे क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर पूछ रहा है, ये दोनों ही क्वेश्चन मतलब उलट पुलट के दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5, और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहाँ पे एक फिगर बनाया है, नंबर लाइन जो है इस पर हम लोग समझते हैं सबसे पहले। तो इसको स्पेशली बनाने के लिए कहा नहीं गया, आप नहीं बनाने से भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए मैंने बना दिया है। यहाँ पे एक नंबर लाइन है, यहाँ पे जीरो है, ठीक है, यहाँ पे जीरो है, और इसके इधर जो है नंबर जो चलता है वो प्लस में चलता है और इधर माइनस में चलता है। तो इसको मैंने टेम्परेचर ले लिया है, ये जो नंबर जो चल रहा है इसको टेम्परेचर के रूप में ले लिया है, जैसे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, और ऊपर वाला जो है यहाँ पे टाइम ले लिया मैंने। तो यहाँ पे जैसे कि बतला रहा है कि 10 डिग्री सेल्सियस जो प्लस में है उस समय बज रहा है 12 नून, दोपहर के 12 बज रहा है, और वहाँ से 2 डिग्री सेल्सियस वन आवर में, एक घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता है, इधर चलता है गिरता है टेम्परेचर। तो यहाँ पे एक बजे जो है टेम्परेचर इतना हो गया, मतलब 2 डिग्री गिर गया, यहाँ पे 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इस तरह से मैंने सब जगह लिखा नहीं है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो गिज बिज हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 बजे यहाँ पे हो गया, 3 बजे यहाँ, 4, 5 बजे जो है 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, उसके बाद एक घंटा चलेगा 6 बजे, फिर इतना हो गया -2 डिग्री सेल्सियस, इधर माइनस चल रहा है, यहाँ पे -2 डिग्री सेल्सियस हो गया 6 बजे, 7 बजे, फिर यहाँ 8 बजे कितना हो गया -6 डिग्री, 9 बजे। तो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन में हम लोग को पूछ रहा है कि टेम्परेचर कितना होगा जब -8 डिग्री सेल्सियस बिलो 8 डिग्री, तो यहाँ -8 डिग्री हो गया, -8 डिग्री सेल्सियस, तो टाइम क्या होगा। तो मतलब नंबर लाइन से हम लोग को आंसर पता चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग नंबर लाइन इस तरह से दिखा के उसका आंसर भी लिख सकते हैं, लेकिन उसको कैलकुलेट करके हमको दिखाना है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि टेम्परेचर बिलो 8 डिग्री सेल्सियस एट 9 PM, 9 बजे रात को -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं, एक आंसर ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसको हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे और यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें दिया हुआ है उसको गिवन में लिख लेते हैं, टेम्परेचर एट 12 नून, टेम्परेचर 12 नून पे कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस लिख लेते हैं, और टेम्परेचर डिक्रीज रेट, तो टेम्परेचर डिक्रीजेस रेट, तो ये कितना हो गया -2 डिग्री, एक घंटे में -2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। तो यहाँ से सॉल्यूशन इसका स्टार्ट होता है, सॉल्यूशन में आपको इसको लिखना है गिवन वाला, उसके बाद जो है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस एंड 8 डिग्री -8 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 10 डिग्री सेल्सियस और यहाँ तक, तो यहाँ कितना टाइम हो रहा है ये पूछ रहा है। तो हम लोग यहाँ से यहाँ के बीच में टेम्परेचर कितना डिक्रीज होता है, उसका क्या डिफरेंस है, उसको हम लोग को दिखाना है। तो यहाँ पर हो गया -8 डिग्री सेल्सियस टू -10 डिग्री सेल्सियस, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस तो डिफरेंस हो रहा है, तो उसमें माइनस लगेगा, -8 डिग्री सेल्सियस और डिफरेंस का ये माइनस हो गया, और 10 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा ये, लेकिन साइन जो है माइनस ही रहेगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 18 डिग्री सेल्सियस, -18 डिग्री सेल्सियस ये हो गया। अब यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज रेट हम लोग को जैसे मिला हुआ है कि 2 डिग्री सेल्सियस गिरने में, डिक्रीज होने में एक घंटा लगता है, तो फिर 18 डिग्री -18 डिग्री सेल्सियस गिरने में कितना घंटा लगेगा, वही टाइम निकालना हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं टू डिक्रीज, तो यहाँ पे लिखे हैं टू डिग्री -2 डिग्री सेल्सियस सेकेंड टाइम, तो -2 डिग्री मतलब 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिरने में, माइनस मतलब गिरने में, डिक्रीज कम होने में, तो कितना समय लगता है, एक घंटा टाइम लेता है, 1 आवर, ठीक है। उसके बाद टू डिक्रीज, अब हम लोग के पास कितना है, -18 डिग्री सेल्सियस टेकन टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 18 डिग्री -18 डिग्री सेल्सियस से ये -2 जो है इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, फिर हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना टाइम लगता है। तो इसमें 9 से ये डिवाइड हो गया, ठीक है, 9 2 18 हो गया, तो 9 आवर्स कितना टाइम लगा, 9 आवर्स। तो 9 आवर्स जो है, अब 12 आवर्स के बाद 9 आवर्स अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है टाइम विल बी आफ्टर 9 आवर्स फ्रॉम 12 नून,
12 बजे दोपहर के बाद 9 घंटा उसमें 9 घंटा हम लोग का पास आया हुआ है, तो 9 आवर्स उसमें उसके बाद 9 आवर्स उसके बाद जो है तो मतलब 12 नून में 12 नून प्लस उसमें ऐड हो जाएगा 9 आवर्स, तो कितना हो जाएगा 12 और 9 जो है इक्वल टू 21 हो जाएगा। तो 21 जो रेलवे क्लॉक होता है उसके अनुसार जब हम लिखेंगे तो 2100 इस तरह से लिखा जाता है, इतना आवर्स हो गया। ठीक है, इतना आवर्स, इतना आवर्स का मतलब होता है नॉर्मल जो 12 आवर का जो घड़ी होता है उसमें हो गया 9 पीएम। तो इस तरह से ये जो 9 PM यहाँ पे जो आंसर लाए हम लोग नंबर लाइन से, वही आंसर जो है कैलकुलेशन करके ये आ जाएगा, एक आंसर जो है ये हो गया। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब दूसरा जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 12 बजे रात में कितना टेम्परेचर हो रहा है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 12 बजे दोपहर से लेके 12 बजे रात तक कितना आवर्स हो रहा है उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे आवर्स फ्रॉम 12 नून मतलब 12 बजे दोपहर से लेके 12 बजे रात तक कितना आवर्स होगा, कितना आवर्स होगा 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक 12 घंटा होगा 12 आवर्स, जिसको लिख देते हैं 12 आवर्स। और यहाँ पे डिक्रीज रेट जो है उसी को लिखे हैं, टेम्परेचर डिक्रीजेस इन 1 आवर, एक घंटे में टेम्परेचर क्या गिर रहा है, कितना कम हो रहा है, -2 डिग्री सेल्सियस इतना हो रहा है। तो हमारे पास कितना आवर्स है, एक घंटे में इतना गिर रहा है, तो इतना घंटा में कितना हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीजेस इन 12 आवर्स, यहाँ पे हो गया आवर्स, तो क्या हो जाएगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 × -2 डिग्री सेल्सियस, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 12 × 24 24 हो गया, और माइनस है तो -24 डिग्री सेल्सियस जो है वो डिक्रीज हुआ, डाउन गया। तो पहले से 10 डिग्री सेल्सियस पहले से प्लस था, तो कितना टेम्परेचर हो जाएगा 12 बजे रात में, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं टेम्परेचर विल बी, यहाँ पे लिख दिया हमने टेम्परेचर विल बी एट 12 मिडनाइट, तो 12 बजे रात को कितना टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर होगा कितना होगा, तो यहाँ पे पहले से हम लोग के पास जो है 10 डिग्री सेल्सियस प्लस में था। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 24 डिग्री सेल्सियस जो हम लोग का आया हुआ है, तो इसमें जो है इसको हम लोग इसके साथ ऐड करेंगे -24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो माइनस प्लस जो है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 10 डिग्री सेल्सियस -24 डिग्री सेल्सियस, तो 24 में से 10 चला गया तो 14 बचेगा इक्वल टू 14, और इसमें जो है जो नंबर का साइन जो नंबर बड़ा रहता है उसका साइन ही रहता है, तो यहाँ पे -14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये आ गया 12 बजे रात को -14 डिग्री सेल्सियस होगा, और ये आंसर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।